नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कलेजियम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में खुद पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया और संविधान पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद यानी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जब जोड़ा गया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची थी और याचिका की सुनवाई जो जज साहब कर रहे थे वो 11 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं और सामने थे देश के दिग्गज वकील जो कि हिंदुस्तान में राष्ट्रहित के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, वो नाम है अश्वनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन और सुब्रमण्यम स्वामी। ये तीनों संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को लेकर के इसको हटाने की मांग की याचिका दाखिल की गई थी। और साहब उसके बाद क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाएंगे, और कैसे राहुल गांधी जो सड़कों पर संसद में वो लाल प्रति लेकर के घूमते रहते हैं उनका कैसे कलई खुली है, क्योंकि वो संविधान के तार तार किस तरह से खुद कांग्रेस ने किया ये इस वीडियो में आपको दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है और आखिरकार जस्टिस संजीव खन्ना जो 11 नवंबर को आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो साहब कैसे कलेजियम की भी कलई खुल गई, वो सारा कुछ इस वीडियो में है। और क्या कुछ है फैसला, अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। शुरू करते हैं खबर की तरफ, क्या है पूरी की पूरी खबर। असल में संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो उसके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, ये जनहित याचिका थी और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के गर्म जिरह देखने को यहां पर मिली। ये पीआईएल दायर करने वाले वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय और सुब्रमण्यम स्वामी शामिल थे। इस दौरान पूर्व बीजेपी सांसद स्वामी ने ऐसी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने के लिए तैयार हो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी हां और जस्टिस पी संजय कुमार की बेंच ने इस पीआईएल को सुनवाई की। संजीव खन्ना जो कि आने वाले 11 नवंबर को भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, अभी कलेजियम के बारे में आपको एक पता चलेगा संजीव खन्ना के बारे में। अब तब आप सोचेंगे कि वो लाइन जो हमेशा से कही जाती है कि मैं तेरे बेटे को चीफ जस्टिस बनाऊं तू मेरे बेटे को चीफ जस्टिस बनाना, या तू मेरे बेटे को वकील बना मैं तेरे बेटे को वकील बनाऊंगा कोर्ट का, ये वाली फिलॉसफी ये वाली कहानी पूरी तरह से यहाँ पर चरितार्थ करती। बहरहाल इस पीआईएल की सुनवाई करते हुए एक याचिकाकर्ता अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस पीआईएल में उन्होंने कहा कि शंकर जैन ने दलील दी कि वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसके जरिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जबकि इन बदलावों पर संसद में कभी भी बहस नहीं हुई, इसी वजह से संविधान में प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हर समय हर मंच पर ये कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान खत्म कर दे, अब सोचिए धर्मनिरपेक्षता जिसका 1976 में देश में इमरजेंसी लगा करके धर्मनिरपेक्षता को घुसेड़ दिया गया, यानी कि भारत को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया, भारत सेकुलर रहेगा। 1947 में देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म निरपेक्षता चाह रहे थे तो क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय संविधान बनाते समय सेकुलरिज्म और यह धर्मनिरपेक्षता क्यों आखिरकार नहीं जोड़ा, इसके बारे में आप समझते होंगे। लेकिन 1976 में बिना किसी बहस के ये धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया।
आपको बता दें इसमें आगे बात होकर इसमें जो दलील थी उसमें होते हुए कहा गया कि 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जबकि इन बदलावों पर कभी भी संसद में बात नहीं हुई। इस वजह से संविधान की प्रस्तावना से इसे हटा देना चाहिए। समाजवाद धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा नहीं है, इसके बारे में बात की गई। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने जवाब दिया कि इस मामले पर लंबी बहस हो चुकी है। उन्होंने कहा, प्लीज देखें मिस्टर जैन, इन शब्दों का अलग अलग व्याख्यान हो सकते हैं। आज दोनों शब्दों को अलग अलग व्याख्याएं हैं, यहां तक कि हमारी अदालत में इन्हें बार बार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। जस्टिस खन्ना ने इसके साथ ही कहा कि समाजवाद का अर्थ भी अभी हो सकता है कि किसी भी कि सभी के लिए उचित औसत समानता का अवधारणा हो और पश्चिमी अवधारणा में ना हो। इसके अलग अर्थ भी हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता सबसे यह भी यही है। याचिकाकर्ता ने जो थे वो शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय फिर सामने आए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया और आपातकाल का हवाला देते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जिस दौरान संविधान में संशोधन लागू किया गया था, उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परंतु जस्टिस एचआर खन्ना ने क्या किया और हमें बचाया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के उस फैसले को इशारा करते हुए कहा कि जिसमें कहा गया था कि व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिए ना लिए जाने के अधिकार में राज्य के हित निलंबित किया जा सकता है। संविधान की पीठ 4-1 से पारित इस फैसले को जस्टिस एचआर खन्ना अकेले असहमति जताने वाले जज थे। क्या आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो, ये कोर्ट ने पूछा वकील से। जी हाँ, इन वकीलों की दलीलों का जवाब सुनते हुए जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो। इस पर एडवोकेट जैन ने जवाब दिया कि हम यह नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर यहाँ पर संविधान में समानता के अधिकार को बंधुत्व शब्द का साथ साथ भाग 3 के तहत अधिकारों को देखें तो साफ संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मुख्य विशेषता माना गया। तब केवल फ्रांसीसी मॉडल था। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जाने वाले कानून को खारिज कर दिया। आप अनुच्छेद 25 को देख सकते हैं, समाजवाद के लिए हम पश्चिमी अवधारणा का पालन नहीं कर रहे। फिर एडवोकेट जैन ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हवाला देते उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि समाजवाद शब्द स्वतंत्रता को कम करेगी। इस पर जस्टिस खन्ना ने सवाल किया, क्या स्वतंत्रता कम हुई, मुझे बताएं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी खड़े होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की दलील शुरू होती है। पीआईएल में दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 की तारीख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो बदलाव हुआ वह संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। वह संशोधन कहीं से भी कहीं और भी हो सकता था, लेकिन प्रस्तावना में नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो दलील के विस्तार रखना चाहते हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगली सुनवाई नवम्बर में तय होगी। याचिकाकर्ताओं को प्रासंगिक जो है दस्तावेज पेश करने होंगे के लिए कहा ताकि उसकी जांच कर सके। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले जो 4-1 से फैसला किया गया था, जस्टिस एचआर खन्ना जिसके भतीजे हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो अब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, मैं कलीजियम की बात कर रहा था। अब सोचिए देश में जो अगर हम बात करें, देश में अब तक का जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जितने भी वकील साहब रहे हैं, खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो इस समय है, जो हालिया में 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, आखिरकार जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता खुद देश के चीफ जस्टिस रहे। अब जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा, उनके भतीजे हैं, मतलब ये संजीव खन्ना, वो खुद उनके चाचा देश के चीफ जस्टिस रहे और आज खुद वो चीफ जस्टिस बनने जा रहे। मैंने यहां पर जिस तरह आप थंबनेल लिख कर आए थे, थंबनेल में मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पर बड़ा फैसला, जी हाँ, ये संविधान पर बड़ा फैसला कि कलीजियम को लेकर के, माफ कीजिएगा, ये जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है जो जोड़ा गया था 1976 में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
और दूसरा कलेजियम को लेकर के जस्टिस खन्ना के चाचा जी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और फिर जस्टिस खन्ना देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। अब तक कुल मिला करके चंद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, लेकिन क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश भर में 140 करोड़ आबादी में क्या किसी का भाई भतीजा ही मिलता है चीफ जस्टिस बनाने के लिए, बड़ा सवाल है। इसीलिए कलीजियम पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए और आप सभी कलीजियम पर अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या समाजवाद, क्योंकि इसकी सुनवाई आगे होनी, क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो कि 1976 में घुसेड़ा गया इंदिरा गांधी द्वारा, क्या ये शब्द संविधान से हटाया जाना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते थे कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और ये समाजवाद हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1949 जब ये संविधान बनाया गया, जब इम्प्लीमेंट किया गया, तभी ये रख दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अंबेडकर के बाद इन लोगों ने किस तरह से पूरे समाज संविधान की धज्जा उड़ाई, और यही कांग्रेस पार्टी है जो आज संविधान लेके घूम रही 1976 में, इसी संविधान की धज्जा उड़ा करके लोगों को जेल में डाल करके इमरजेंसी लगा करके संविधान में ये बड़े दो संशोधन किए जो देश की मूल भावना, संविधान की मूल भावना को ऊपर की तरह से कुचलाघात है। आप सभी से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।